आसिफ रियाज के भाई उमर रियाज ने हाल ही में सोशल मीडिया पर एक वीडियो अपलोड किया है, जिसमें उन्होंने घर के आए नए कंटेस्टेंट विकास गुप्ता को खूब खरी खोटी सुनाई है। आइए देखते हैं कि उमर रियाज ने क्या कहा है। हाय गाइस, आज का मेरा ये वीडियो बनाने का यही पर्पस है कि यू नो यस्टरडे मैंने आई सॉ द प्रोमो इन विच विकास गुप्ता इज एंटरिंग द हाउस as a mentor for Siddharth Shukla, for supporting him. A good thing, very good thing. But promo mein ye bhi dekha ki Vikas is accusing Aasim ke andar ye aashiqui lada raha hai, pyar kar raha hai aur bahar to koi iska wait kar raha hai. To wo kya tha Vikas? I mean, you're not even friends with Aasim. You're not even friends with me. How do you know about Aasim's personal life? How? मेरे को नहीं पता है। मेरे को मैं इतने आई हैव गिवन सो मेनी इंटरव्यूज एंड आई हैव सेड आसिम इज सिंगल एंड आउट ऑफ नोवेयर यू गो इन द शो ऑन द नेशनल टेलीविजन यू सेइंग आसिम हैज अ गर्लफ्रेंड। आई वाज लाइक वो एम आई इवन हिज एल्डर ब्रदर और यू आर द एल्डर ब्रदर जिसको आसिम के बारे में सब पता है। सो ऑल आई वॉन्ट टू से इज वाई ही हैज डन दिस वाई आई विल टेल यू वाई बिकॉज जब वो पहले अंदर गए शो में उनकी नहीं चल पाई बिकॉज आसिम ने उनकी नहीं चलने दी। नाउ ऑल इज डूइंग इज ट्राइंग के कुछ चीज़ें मुझे मिलें कि मैं आसिम को डिफेम कर पाऊँ बिकॉज ही इज फ्रेंड्स विद सिद्धार्थ, राइट? एवरीबॉडी नोज दैट। और सबसे बड़ी राइवलरी किसकी चल रही है? आसिम एंड सिद्धार्थ। आई नो विकास वॉन्ट सिद्धार्थ टू गो अप टू विन द शो, I get it, you're friends with him, you want, as a brother, I would want to ask him to win the show. But brother, you can't just stoop down so low that you will falsely accuse my brother that he has a girlfriend inside. Why? So that, because, why is he doing it? Because Aasim ka kya ek image hai? Aasim ka ek image hai, he's a strong guy, he's truthful, he's very blunt with his words, he won't fake around. Or now he has proposed to Himanshi and now Vikas did was ki trying to get someone else so that Aasim looks bad. Aasim looks like a guy who already has someone outside, but still he's making connection inside for the game. Ye main unka mudda tha ye cheez bolne ka. To Vikas ko ye baat kahan se pata chali? Aasim ne to kabhi bataya hoga. He's not even friends with Aasim. Mere se kabhi baat nahi hui. I'm not even his friend. To kahan se bataya? Instagram khola. देखा किसी लड़की के साथ फोटो है, बना दिया उसको गर्लफ्रेंड। आसिम की फोटोग्राफ है उसके साथ, लेकिन वी आर फ्रेंड्स, मेरी भी उनके साथ फोटोग्राफ है, सो वी आर ऑल अ ग्रुप, सो वी चिल अराउंड टुगेदर। बट अब एंड आई टॉक टू हर एंड आई वाज लाइक व्हाट द हेल इज गोइंग ऑन एंड शी ट्वीटेड इन द मॉर्निंग कि दिस इज ऑल फॉल्स एक्यूजेशंस, वी आर जस्ट फ्रेंड्स। सो आई थिंक दैट्स आंसर टू विकास एक्यूजेशन। I think all he's trying to do is defame Aasim ताकि उनकी popularity कम हो because Aasim is a eligible contestant for winning. He is very much deserving contestant. तो just trying to reduce his chances of winning. That's why he's doing all of this. And I think बहुत फजूल की बात है। I don't think उनके caliber के आदमी को शोभा देता है ये चीजें करना, किसी की personal life national television पे उठाना। वो क्या करना चाहते हैं कि सलमान सर आए weekend पे और आसिम को पूछें कि जो विकास ने बोला सही है और उनको डांटें, क्योंकि of course बुरा लगेगा, सलमान सर को भी बुरा लगेगा कि पहले आप हिमांशी को आपने प्रपोज कर दिया, बाहर आपकी गर्लफ्रेंड ऑफ कोर्स। तो ये चीज क्लैरिफाई करने के लिए मैंने ये वीडियो बनाया है एंड आई वॉन्ट यू ऑल गाइज एंड आई मेक श्योर दिस वीडियो गोज टिल दी अप till the colors, till Salman sir, everybody knows that Vikas is lying, nothing else. This is all, whatever he has said, it's false, no confirmation, no proof. All he's trying to do is trying to make Aasim look bad, nothing else. That's his main motto. And I'll tell you Vikas, I won't let that happen. आपका इस अपडेट पर क्या कहना है? कमेंट कीजिए और ऐसी ही खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल।